तो देख सकते हो इसको मैं जिस तरह भी घुमा दूँ इसका डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ ही रहेगा, देख सकते हो। हे गाइस वेलकम टू पेंटेक्स। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट, एक ऑटोमेटिक सन ट्रैकर सोलर प्लेट। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है जो सन को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक सोलर प्लेट को उसकी तरफ मूव कर देगा ताकि सनलाइट का मैक्सिमम पावर यूज हो सके। और इसको मैंने बनाया बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट आर्डिनो और बहुत ही कम से कम मेटल को यूज करके। तो वीडियो सामने बहुत ही अमेजिंग और काम करने वाला है। आप चाहते इसको स्कूल प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट या किसी भी साइंस एग्जीबिशन के लिए बहुत ही कम खर्चे में बना सकते हो। तो चलिए फिर देखते हैं इसको बनाते कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले चाहिए हमें IC TDA 2822 और ये एक एच पिन का आईसी होता है। इसका पिन आउट कुछ इस तरह से होता है और ये एक बहुत ही कॉमन आईसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बहुत आसान से मिल भी जाएगा। और साथ में मैं ऑनलाइन बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेकर आईसी का पिन नंबर 8 को 6 के साथ जोड़ देना है और 7 को 5 के साथ जोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं रजिस्टर 10 किलो ओम का और उसके एक पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 4 के साथ और दूसरे पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 5 के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक और रजिस्टर 10 किलो ओम का और उसके एक पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 2 के साथ और दूसरे पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 5 के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और उसके एक पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 8 के साथ और दूसरे पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 2 के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक और LDR और उसके एक पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 8 के साथ और दूसरे पिन को हमें जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 4 के साथ। आप दोस्तों चाहे मैं डीसी मोटर और आप इस तरह का किसी भी डीसी मोटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मोटर के एक और को जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 1 के साथ और दूसरे को जोड़ देना आईसी का पिन नंबर 3 के साथ। उसके बाद चाहे मैं एक बैटरी और यहाँ पर देखते हमने एक पुराने मोबाइल का बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव को जोड़ना आईसी का पिन नंबर 2 के साथ और नेगेटिव को जोड़ना आईसी का पिन नंबर 4 के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक सोलर प्लेट और इसका कनेक्शन बैटरी के साथ ही उसके जैसा ही करना है। मतलब इसका पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैटरी का बीच पे एक स्विच को लगा देना है। तो देख सकते हो सर्किट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप सारी चीज़ों को एक साथ सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसे टेस्ट करके देखेंगे और यूज़ भी करके दिखाएंगे। उसके बाद देख सकते इस तरह एक स्टैंड बना लिया जुगाड़ करके और मोटर का शाफ्ट को यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। देख सकते कैसा स्टैंड हो गया, बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है। तो चलिए अब इसका स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है। तो इस स्विच को सिंपली इस तरह से ऑन कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टूडियो में बहुत सारा लाइट है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है। देख सकते हो ये तेज लाइट जब पड़ रहा है जिस तरह उस तरह भी ये घूम रहा है। पहले लाइट को ऑफ करके देखते। तो देख सकते हो जैसे मैं लाइट को ऑफ किया जिस तरफ लाइट आ रहा है उस तरफ घूम गया। तो चलो अब इसको छत पर ले जाकर डायरेक्ट सनलाइट पर टेस्ट करके दिखाते। तो देख सकते हो इसको मैं जिस तरह भी घुमा दूँ इसका डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ ही रहेगा, देख सकते हो। तो देख सकते हो इसका बेस कम है, जितना चाहे घुमा दो इसका सोलर प्लेट का जो डायरेक्शन है हमेशा सन की तरफ ही रह रहा है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जोर एक लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जोर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जोर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।